कौन सा काम जो ऐतिहासिक जीत हो रही है, एक इतिहास को पन्ने में दर्ज होने जा रहा है मोदी जी का आज उत्तर प्रदेश, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और प्रदेश के केशव प्रसाद जो सबका पार्टी का एक नारा है सबका विकास और हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर एक ले जाना, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, सभी वर्गों में, सभी क्षेत्रों में हिंदुस्तान को नंबर एक करना है दुनिया में। आज इस नारे को, इस बात को उत्तर प्रदेश के किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने और सभी समझदार लोगों ने, जाति आधार पर जो लोग नारा लगाते थे उनको दरकिनार करके अगड़ों ने भी, पिछड़ों ने भी और दलित समाज के लोगों ने भी और अल्पसंख्यक समाज में से भी वो लोग जो समझदार लोग हैं और जो राष्ट्रवादी हैं वो सारे के सारे लोग एकजुट हुए और प्रचंड बहुमत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनका स्वागत भी करते हैं, मतदाताओं का स्वागत करते हैं और मैं समझ रहा हूँ ये जीत जो है उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश की जीत नहीं है बल्कि पूरे देश की ये जीत है और इस तरीके का एक बहुमत दिया है, जनादेश दिया है मोदी जी के नेतृत्व में जिससे हम देश को और आगे ले जाने में आगे कामयाब हों। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी उसको जनता ने समर्थन करने का काम किया है, उसी का फैसला है। जनता जो है काफ़ी उम्मीद लगाई है कि अब बीजेपी आई है बेहतर काम करके दिखाएगी। बिल्कुल दिखाएगी कि आप ये समझिए कि जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं वो प्रदेश सरकार में अखिलेश जी की सरकार लागू नहीं करती थी, अब जो केंद्र सरकार जो नीतियाँ बनाएगी प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार होगी पूरी तरीके से वो लागू होगी। 24 घंटे लोगों को बिजली मिलेगी, जिन लोगों को बीपीएल सूची में नाम है उनको फ्री बिजली का कनेक्शन मिलेगा, फ्री मीटर मिलेगा, किसानों को एलईडी पंप मिलेगा जो कम वोल्ट में भी जो है वो पानी निकालने का काम करेंगे, सिंचाई के संसाधन होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो वहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अब हमारी सरकार बनने जा रही बीजेपी, जैसे ही कोई बच्ची पैदा होगी उसके माँ के नाम 6001 रुपया उसके अकाउंट में जमा होगा, 50,000 का बांड जमा होगा और उसमें उस लड़की को पूरा पढ़ाने का है, जूता मोजा से लेकर के और उसके कापी किताब और कपड़े तक सारी हमारी सरकार देगी और जब वो लड़की 21 साल की हो जाएगी तो उसको 2,00,000 रुपया उसका शादी के लिए भी देने का काम करेगी। इसी तरह लड़कों को भी इंटर तक के फ्री शिक्षा देने का काम करेगी और अगर इंटर में 50% नंबर ले आता है तो उसको भी ग्रेजुएशन भी कराने का काम हमारी सरकार फ्री करेगी। रोजगार के क्षेत्र में भी जो बेरोजगारी है उसको मिटाने के लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से अपनी नीतियाँ बनाई है। इसके साथ में जो संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश के 17,00,000 चाहे आशा बहु हों, आंगनबाड़ी वर्कर हों, होमगार्ड हों, पीआरडी के जवान हों या रोजगार सेवक हों या चौकीदार हों या खाना बनाने वाली रसोइयाँ हों, जिसे शिक्षक हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, स्वामी कुपोषित महाविद्यालय के 80,000 उत्तर प्रदेश के अंदर टीचर हैं, ऐसे सब लोग पैरा जानवरों का इलाज करने वाले पैरामेडिक और पीआरडी के जवान इन सब लोगों को एडजस्ट करने का काम करेगी। और बिजली के कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं जो संविदा पे काम करते हैं उनका पूरा जो हक नहीं मिलता, बीच में जो मीडिएटर उनके हक को मारने का काम करते हैं सीधे हमारी सरकार उनके पास तक पैसा पहुँचाएगी और उनका न्याय देने का काम करेगी।